दोस्तों सुजुकी और टोयोटा एक ग्लोबल पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग बलिनो का रिबैच वर्जन ग्लेंजा और ब्रेजा का रिबैच वर्जन अर्बन क्रूजर को ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। और अब इस पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग टोयोटा और मारुति सुजुकी कंपनी एक मिड साइज एसयूवी पर काम कर रही है जो कि आने वाले समय में ह्यूंडई क्रेटा और किया सेल्टोस को टक्कर देगी। आपको बता दें कि इसे हाल ही में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है और इस बार टोयोटा कंपनी अपने इसे कर्नाटक में जो इसका प्लांट है वहां पर इस नई एसयूवी को बिल्ड करेगी। और अगर बात करें इस जो ये टेस्टिंग इमेज सामने आई है उसकी, तो देखिए नई मारुति सुजुकी टोयोटा और टोयोटा की ये नई कार जो है पूरी तरह से स्टिकर से यहाँ पर ढकी हुई दिखाई दी है। ऐसे में इसके बाहर की जो इन्फॉर्मेशन है वैसे तो क्लियरली विजिबल नहीं हो पाई है, लेकिन मारुति सुजुकी और टोयोटा दोनों की ये जो एसयूवी होगी एकदम अलग दिखाई दे रही है। और इसका जो टेस्ट मॉडल है यहाँ पर, इसमें आपको क्लियरली मैश ग्रिल, स्प्लिट हेडलैम्प सेटअप, ओआरवीएम्स के साथ टर्न इंडिकेटर्स, ड्यूल टर्न अलॉय व्हील्स, रियर वाइपर, शार्क फिन एंटीना और हाई माउंटेड स्टॉप लैंप जैसे फीचर्स यहाँ पर ऑलरेडी क्लियरली दिखाई दे चुके हैं। और इसके अलावा यहाँ इस एसयूवी के दो टेस्ट प्रोटोटाइप देखने को मिले हैं, जिसमें से दूसरा इसका एसयूवी का बेस मॉडल नजर आता है, जिसमें स्टील व्हील्स, शार्क फिन एंटीना और बम्पर पर लगे हेडलैम्प्स और ग्रिल के दोनों ओर लगे हेडलैम्प्स यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे हैं। अगर बात करें इसमें मिलने वाले इंजन की, तो देखिए दोनों के साथ ही मारुति सुजुकी में मिलने वाला 1.5 लीटर का K15V पेट्रोल इंजन देखने को मिल सकता है, जो कि मौजूदा एस्क्रॉस में और XL6 CS और विटारा ब्रेजा में ऑलरेडी ऑफर किया जाता है। हालांकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि इसी साल इस कार की जो लॉन्चिंग है वो होने वाली है, और लॉन्च के बाद ये इंडियन कार मार्केट में, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया है, कि ह्यूंडई क्रेटा, सेल्टोस, स्कोडा कुशाक और फोक्सवैगन टिगुआन जैसी कारों से ये कॉम्पिटिट करेगी। और हाँ, अगर इस मारुति सुजुकी और टोयोटा की इस एसयूवी के प्लेटफॉर्म यानी कि आर्किटेक्चर की अगर बात करें, तो इसमें एकदम इसके एक नए आर्किटेक्चर को यूज़ किया जाएगा जो कि DNGA यानी कि Daihatsu सोर्स नामक मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म से इसे लिया गया है। और इसे इस विशेष रूप से भारत जैसे उभरते हुए कार मार्केट्स की नीड्स के अकॉर्डिंग इसे डिज़ाइन किया गया है। लास्ट में अगर बात करें इसके प्राइस की, तो देखिए दोस्तों इसके प्राइस के बारे में अभी तो कहना कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर इसके एक्सपेक्टेड प्राइस की बात की जाए तो उसका जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो 10 लाख रुपए से लेकर 17 लाख रुपए के बीच इसका प्राइस पॉइंट रखा जा सकता है। सो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, यहाँ तक वीडियो देख लियो तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड ड्राइव सेफ।